महाराज की जय हो। अरे महाराज, आपको ज्ञात नहीं, पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। महाराज की जय हो। महाराज, इन 10 दिनों में नगर के लोग अहिंसा का पालन करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, इन 10 दिनों में यहाँ के सारे नागरिक व्रत और उपवास भी धारण करते हैं। तथा महाराज, इन सभी 10 दिनों में जिन भी लोगों ने अहिंसा का पालन किया है, उनको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। अच्छा, तो ये बात है, तो ये पर्व हम राजमहल में मनाया जाएगा। साथ ही साथ हर झंडा हर मंदिर में लहराएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, अहिंसा का पालन होगा और सारी मास की दुकानें बंद रहेंगी। जो भी अहिंसा का पालन नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड की सजा होगी। मंत्रियों, जाओ घोषणा करवा दो। जी महाराज। महाराज की जय। इस तरह उस नगरी के महाराज ने यह घोषणा करवाने का आदेश दे दिया कि दस लक्षण में नगर में किसी भी प्रकार की हिंसा का पालन नहीं होगा, पूर्णतः अहिंसा का पालन होगा। पापी होंगे यह नहीं पता था मुझे। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे राजा तो कितने न्यायप्रिय और दयालु हैं, उनके राजा इतने दुष्ट। न्यायप्रिय राजा? अगर अभी वो न्यायप्रिय होते तो क्या करते, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। राजकुमार जी ने राज उद्यान से एक मेंढे को मरवा कर उसका कच्चा मांस वहीं खा लिया। हे भगवान, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना तो मृत्यु दंड है। तुम ये बात किसी से कहना मत, चुप ही रहना। मानी, मैं तुम्हारी सारी वारदात आप सुन चुकी है। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ गवाही है, तुम राज्यसभा में चलना होगा। चलो मेरे साथ।
हमारे राज उद्यान में से एक मेढ़ा गायब हो गया है। क्या मतलब, किसी ने चुराया? चुराया नहीं महाराज, बल्कि उसको खा लिया गया है। किसकी इतनी हिम्मत है जो राजा का उल्लंघन करे? क्षमा करे महाराज, मैं कोई और नहीं, स्वयं राजकुमार है। गुप्तचर, तुम्हें पता है ना अगर तुम्हारे शब्द असत्य निकले उसका परिणाम क्या है? मुझे पता है महाराज, इसलिए गवाही के लिए मैं राज उद्यान के माली को लाया हूँ। माली बताओ। आज की जय हो महाराज। आज मैंने जो देखा उसको देखने से पहले मैं अंधा ही क्यों नहीं हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से राजकुमार जी को पहरेदार के द्वारा मांस लेते हुए देखा। इतना ही नहीं, मैंने उन्हें वही वह मांस खाते हुए भी देखा। मैं उसी बगीचे में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर फल तोड़ रहा था। मुझे क्षमा करें महाराज। क्या मेरा ही पुत्र इतना दुष्ट निकलेगा? मुझे ज्ञान ना था मेरे लिए, लेकिन हाँ, मेरे लिए मेरी प्रजा और मेरा पुत्र एक ही समान है। तथा मैं आदेश देता हूँ कि उसने राजा का उल्लंघन किया है तो उसे मृत्युदंड की सजा होगी। सेनापति महाराज की जय हो। जाओ राजकुमार को बंदी बनाकर ले आओ। राजकुमार को बंदी बनाकर ले आओ और चांडाल को भी संदेशा भेज दो, मृत्युदंड देना है राजकुमार को। जाओ जाओ आज्ञा महाराज। इस प्रकार उस न्याय राजा ने अपने राजकुमार को ही मृत्युदंड देने का फरमान घोषित कर दिया और सेनापति को चांडाल के घर संदेशा पहुंचाने के लिए भेज दिया कि राजकुमार को मृत्युदंड देना है। तो तुरंत ही राज्यसभा में उपस्थित हो गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? राजसैनिक और सेनापति मेरे घर की तरफ ही आ रहे हैं। अवश्य ही किसी को मृत्युदंड मिला होगा, परंतु आज तो चतुर्दशी है और मैंने स्वयं दिगंबर मुनिराज से चतुर्दशी को जीव हिंसा न करने का लिया नियम लिया है। सुनो भाग्यवान, मैं अंदर जाके छिप जाता हूँ और तुम्हें तो मैंने कुछ बहाना बना देना। जी आप चिंता ना करें, मैं उन्हें वापस भेज दूंगी। इस प्रकार वह यमपाल चांडाल अपने घर के अंदर जाकर छुप कर बैठ जाता है तथा अपनी पत्नी को ये निर्देशित कर देता है कि राज सैनिकों को वापस लौटा देना, अन्यथा उसका चतुर्दशी का अहिंसा का अणुव्रत भंग हो जाएगा। यमपाल चांडाल किधर है? वे तो किसी कारणवश नगर के बाहर गए हुए हैं, दो दिन बाद ही लौट पाएंगे। कितना आभागा है ये यमपाल चांडाल। आज उसे राजकुमार को मृत्युदंड देना था, आज तो वह मालामाल हो जाता। उसे जो राजकुमार के वस्त्र और आभूषण जो मिल जाते। किंतु वे तो बाहर गए हुए हैं ना सैनिकों। सेनापति और सैनिक चांडाल और राजकुमार दोनों को राज्यसभा में राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। पिताश्री मुझे क्षमा करें, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुमने राजा का उल्लंघन किया है, साथ ही साथ मेरे मान का भी चूर चूर कर दिया, इसकी सजा मृत्युदंड है। महाराज की जय हो। आज ये यमपाल चांडाल भी किसी को मृत्युदंड देने से मना कर रहा है। क्यों चांडाल, क्यों मना कर रहे हो? महाराज की जय हो। महाराज, आज चतुर्दशी है और मैंने स्वयं दिगंबर मुनिराज से चतुर्दशी को जीव हिंसा नहीं करने का नियम लिया है, अतः आज मैं किसी को भी नहीं मार पाऊंगा। क्षमा करें महाराज। यह प्रतीत होता है कि चांडाल दुष्ट राजकुमार से मिले हुए हैं तथा मेरा चांडाल के भी कोई नियम होते हैं, अतः मैं आदेश दूंगा कि राजकुमार और दुष्ट राजकुमार को चांडाल और दुष्ट राजकुमार को मगर में सुबह में तालाब में फेंक दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार सेनापति और सैनिक राजकुमार और चांडाल को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंकने के लिए ले जाते हैं।
फिर देखते हैं क्या होता है। ये मगरमच्छ से भरा तालाब है, देखिए छोटा सा मगरमच्छ आ रहा है। इस मगरमच्छ की आज पार्टी होने वाली है, उसको राजकुमार का शिकार जो मिल गया। इस प्रकार अगर आप भी कोई छोटा सा अहिंसा अनुव्रत लेते हैं तो स्वयं स्वर्गों के देव आकर आपकी विषम परिस्थितियों में रक्षा करेंगे। यह इस घटना से हमको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए हमारे G3 पाठशाला टीम का, हमारे बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में आपके सामने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में 25 बच्चे मेहनत कर आपके सामने आए तथा आपको त्याग, उत्तम त्याग वाले दिन त्याग की महिमा दिखलाई। जोरदार तालियां बजाइए।